हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायरूट क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपने आपको पता है हम लोगों का सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक्सप्लेनेशन पूरा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पहले करवा चुकी थी, अब कुछ जो और स्टेटमेंट की फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि मैं फर्स्ट सेकंड चैप्टर का, ऐसे ही आगे के चैप्टर्स का भी स्टेटमेंट की फॉर्म में करवाऊंगी। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट की जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि आर्ची बैक्टीरिया के सेल वॉल से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आ रखा है जो एम्स में भी पूछा गया है और ऑल इंडिया पीएमटी में भी पूछा गया है। तो इससे क्वेश्चन आ रखा है कि जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं इनके पास जो सेल वॉल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ऑल द बैक्टीरिया हैव पेप्टिडोग्लाइकन इन देयर सेल वॉल, ओके, बट आर्ची बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं पाया जाता। इसीलिए मैंने आपको कहा था ये थोड़े जिद्दी टाइप के बैक्टीरिया हैं। तो क्यों है ये, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन की जगह में यहाँ पे स्यूडो म्यूरिन पाया जाता है और नेक्स्ट चीज यहाँ पे एस लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो ये एस लेयर क्या करती है, इसको टेम्परेचर रेजिस्टेंट बनाती है, यानी ये हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकता है। नेक्स्ट, कि ये तो इसके सेल वॉल से रिगार्डिंग बात हुई कि इसके पास पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, इसके पास एस लेयर है जो इसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रही है फॉर टेम्परेचर, अगेंस्ट टेम्परेचर। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसकी सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास यहाँ पे ब्रांच चेन लिपिड होते हैं। मैंने आपको ये चीज जब मैं आपको एक्सप्लेन करी थी, मैंने आपको ये चीज बताई भी थी कि क्वेश्चन आया है तो इसके पीछे क्या रीजन था। तो वहां जो आपके पास ऑप्शन दिया गया था वो था आपके पास कि इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है तो वो किस टाइप की होती है। तो ऑप्शन दिए हुए थे तो उसमें लिखा था ब्रांच चेन लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, क्योंकि फॉस्फेट भी होते हैं तो फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं, इसको टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं हीट के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करेंगे, ज्यादा जो हीट है ये हीट को भी क्या कर सकते हैं, झेल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास साइनोबैक्टीरिया। देखिए, साइनोबैक्टीरिया में कुछ चीजें हैं, ये वैसे आप आगे जब प्लांट फिजियोलॉजी मैं आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी, बट ये है कि मैं अभी थोड़े यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ। साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, नाइट्रोजन तो फिक्स ये करता ही है बट एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करता है, ठीक है। तो पहला बैक्टीरिया या पहला ऑर्गेनिज्म कौन है जो जिसने फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, तो व्हाई ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मींस दे लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी मैंने आपको बताया था जो बैक्टीरिया है मोनोरन्स वो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस उनमें होती है, बट फोटोसिंथेसिस कौन सी वाली फोटोसिंथेसिस, क्या वो ऑक्सीजेनिक है, नहीं, वो होती है अनऑक्सीजेनिक, नॉन ऑक्सीजेनिक, यानी वो ऑक्सीजन लिबरेट नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि देखिए आपने प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़ी है, आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में उस टाइम में वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से O2 रिलीज होता है। CO2 इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ O2, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ O2, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर H2O की स्प्लिटिंग होगी उसके वजह से O2 रिलीज होता है। बट अगर हम बैक्टीरिया में बात करते हैं तो बैक्टीरिया किसको एज ए फोटोसिंथेटिक आप कह सकते हैं एक रिएक्टेंट के तौर पे यूज करता है, एक सब्सट्रेट के तौर पे यूज करता है, तो वो H2S यूज करता है वहां पे, इंस्पाइट ऑफ H2O वो H2S यूज करता है। तो H2S क्या रिलीज करेगा, सल्फर। तो बाकी बैक्टीरियाज में हम ये जैसा आपने सुना भी होगा सल्फर रिलीजिंग बैक्टीरिया, तो वाई सल्फर रिलीजिंग बैक्टीरिया, बिकॉज ड्यूरिंग देयर फोटोसिंथेसिस दे यूज H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या रिलीज करेगा, वो सल्फर रिलीज करता है। बट साइनोबैक्टीरिया के पास एक यूनिक कैरेक्टर है कि वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करता है। तो क्यों शो करेगा, क्योंकि वो वाटर को यूज कर रहा है, उसकी स्प्लिटिंग से O2 ही रिलीज होगा, इस वजह से ये क्या कर रहा है, O2 को रिलीज करता है। नेक्स्ट है आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गा जो साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया में कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, अगर किसी भी जगह में एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी की, यानी एक तालाब है मेरे पास, उस तालाब में ब्लू ग्रीन एल्गी पूरी तरीके से फैल चुकी है, ठीक है। इस तरीके से फैली है कि जो ऊपर की जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अब क्या कर दिया, उसने कट कर दिया है ऑक्सीजन की सप्लाई को, तो इसके वजह से ऑक्सीजन नीचे नहीं जा पाती, क्योंकि पूरे तालाब में ऊपर काई जो है, कौन सी काई, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो फैल चुकी है, इसके वजह से ऑक्सीजन नीचे नहीं जा पाई। तो इसके वजह से क्या होगा, जो एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, फिशेज हैं या एक्वाटिक प्लांट्स हैं, इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन दे विल डाई। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेथ फैक्टर।
ये तो हो गया डच फैक्टर, यानी एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन पॉन्ड कह सकते हैं आप, या इन स्टैग्नेंट वाटर जहाँ पे भी पानी रुका हुआ है वहां आप कह सकते हैं, तो वहां पे ये डच फैक्टर कॉज करता है। कैसे कॉज करता है? कुछ तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है इसके वजह से, और दूसरा ये ऑक्सीजन को भी नहीं जाने देता इस वजह से। तो हम इसको क्या बोलते हैं, वाटर ब्लूमिंग। जब ये वाटर में इस तरीके से फैल जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वाटर ब्लूमिंग। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो यूज एज बायो फर्टिलाइजर। ये मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी जब हम माइक्रोब्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग चैप्टर करेंगे, उसमें हम इसको अच्छे से करेंगे कि हम इन्हें बायो फर्टिलाइजर क्यों कहते हैं। तो देखिए बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या है, बायो मीन्स होता है लिविंग, फर्टिलाइजर्स आपको पता ही है। तो व्हेन द लिविंग सब्सटेंस और व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर देन इट इज नोन एज बायो फर्टिलाइजर। तो कौन है ऐसे, तो आप ब्लू ग्रीन एल्गी एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं किसका, कि जो ये हैं बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। तो इसमें कौन कौन आते हैं, एनाबीना हो गया, नॉस्ट्रॉक हो गया, और ये एजोला आपने वाटर फर्न आपने सुना होगा, तो इसमें ये एनाबीना हो गया, नॉस्ट्रॉक हो गया, फिर एलोसिरा हो गया, और सैनप्टोनिमा हो गया, तो ये सारे के सारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एजोला पिन्नाटा। एजोला पिन्नाटा आप समझिए इस चीज को, एजोला को हम किस चीज में लेते हैं, एजोला हम बोलते हैं कि ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी के जैसा हम इसको लेते हैं, या मतलब हम ये लेते हैं कि क्या है, बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, तो अब इसमें लेकिन ये होता क्या है, इसको हम वाटर फर्न कहते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये मुझे ध्यान नहीं है कि क्वेश्चन नीट में आया था या किस चीज में आया था, बट एजोला क्या है ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये क्या होता है, ये है वाटर या एक्वाटिक फर्न हम इनको कहते हैं, यानी ये ऐसे फर्न है। फर्न किसकी कैटेगरी में आता है, टेरिडोफाइट। अभी मैं आपको जो चैप्टर कराऊंगी आगे प्लांट किंगडम, उसमें हम करेंगे, फर्न है टेरिडोफाइट्स, तो जो पानी के किनारे रहते हैं, तो ये वैसे ही टाइप का है। और इसकी पत्तियों में ये किसको जगह देता है, ये किसको हार्बर करता है, किसको नरिश करता है, ये नरिश करता है एक टाइप की ब्लू ग्रीन एल्गी को, या एक टाइप का किसको, एजोला। तो एजोला हम ये कहते हैं, आपने सुना भी होगा, एजोला सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, राइस के फील्ड में ज्यादा पाया जाता है, धान, जहाँ धान की खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि धान की खेती जहां पे भी की जाती है वहां पे ज्यादा क्या होता है, वहां पे दलदल या कीचड़ ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है, तो वहां पे जो एनाबीना पिन्नाटा, वो एजोला पिन्नाटा जो है, ये अपनी पत्तियों में किसको जगह दे देता है, ये हार्बर करता है। यहाँ देखिए ये टेरिडोफाइट है यानी फर्न, तो ये हार्बर करता है ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना को कर सकता है, एजोला को कर सकता है अपनी लीव्स में। तो एजोला को हम बोलते हैं वाटर फर्न, या एक्वाटिक फर्न भी हम इसको कहते हैं। और ये कॉमन हमको कहाँ देखने को मिलता है, राइस फील्ड। अब राइस फील्ड की बात हुई है तो मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था मिथेनोजन, यानी मिथेन प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया आर नोन एज मिथेनोजन, और ये किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये आर्ची बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इसमें है कि वाटर, अगर आपके पास आता है कि वाटर के जो राइस है उसके फील्ड से सबसे ज्यादा कौन सी गैस लिबरेट होती है, या कौन सी चीज सब्सटेंस ज्यादा लिबरेट होता है, तो आप सबसे पहले बोलेंगे उससे मीथेन लिबरेट होती है, CH4। ठीक है, मीथेन लिबरेट होती है, बायोगैस बनाती है। क्यों मीथेन लिबरेट होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथेनोजन बैक्टीरिया। तो मतलब राइस फील्ड से आपको दो चीजें अपने दिमाग में रखनी ही है, वो है एक आपको एजोला याद रखना है, और एक आपको याद रखना है मिथेनोजन। नेक्स्ट आपके पास गोडिकोव्स इफेक्ट, बहुत बहुत एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बना है, नीट में क्वेश्चन नहीं बना है इससे, बट इससे ऑल इंडिया पीएमटी में क्वेश्चन बना है, इससे एम्स में क्वेश्चन बना है, इससे जिपमर में क्वेश्चन बना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोडिकोव्स इफेक्ट। व्हाट इज गोडिकोव्स इफेक्ट, यहाँ हम कहते हैं लाइट की प्रेजेंस में, या लाइट की जो वेवलेंथ है उसके प्रेजेंस में अपने आपको अपनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को मैक्सिमम करना, यानी कोई भी प्लांट अगर लाइट की वेवलेंथ के बढ़ने या घटने के वजह से अपनी वेवलेंथ को वेवलेंथ के बेसिस पे फोटोसिंथेटिक एबिलिटी को मैक्सिमम करता है, वो गोडिकोव्स इफेक्ट है। और यहाँ पे ये कलर भी चेंज करता है, ठीक है, तो ये कलर भी चेंज करेगा। और तो यहाँ हम क्या कहते हैं इसको, देखिए एग्जाम्पल की कौन कौन दिखाते हैं, एक तो रेड एल्गी इसको दिखाती है, और दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, ये दोनों इसको दिखाते हैं, यानी साइनोबैक्टीरिया। तो देखिए अब यहाँ कि जो ये है, मतलब दोनों के दोनों दिखाते हैं, होता क्या है इसमें, कलर चेंजिंग भी होगी। देखिए जब रेड एल्गी समुद्र में सरफेस में प्रेजेंट होगी, वहां पे वो हमेशा किस कलर की होगी, वो ब्लू कलर की होती है हमेशा। जब रेड एल्गी, वैसे मैं आपको एक चीज और बता दूं जिससे क्वेश्चन बना भी है, सबसे डीपेस्ट
कौन सा एल्गी या कौन सा प्लांट पाया जाता है समुद्र में, तो वो है रेड एल्गी। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वार्म वाटर होना चाहिए और ब्रैकिश भी होना चाहिए, यानी सॉल्टी भी होना चाहिए वाटर और वार्म भी होना चाहिए। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में रेड एल्गी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे यह है कि जो गर्म कुंड है, गर्म पानी के कुंड है, जैसे बद्रीनाथ ले लीजिए या जो भी आप बाकी हिली एरियाज में जहां भी आप ले रहे हैं, वहां ब्रैकिश वाटर नहीं मिलता, वहां सॉल्टी वाटर नहीं मिलता। तो क्या है कि इसके पास इसको दोनों चीजें चाहिए। तो जापान में देखा गया है कि जापान में ये ज्यादा पाई जाती हैं। गुड़गुफ्स इफेक्ट का बताते हैं, अगर ये बाय चांस समुद्र के ऊपर आ गई है सरफेस में तो इसका कलर ब्लू हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट आर फाइकोसाइनिन। ठीक है, आपको पता होगा दो पिगमेंट पाए जाते हैं इनमें, आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइको इराइथ्रीन। तो इराइथ्रीन रेड कलर देता है, साइनिन ब्लू कलर देता है। आर फाइकोसाइनिन के वजह से ये ब्लू कलर की हो जाएगी जब ये ऊपर आ जाएगी, और जब ये नीचे बॉटम में रहेगी तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आर फाइको इराइथ्रीन पिगमेंट्स हैं ये आर फाइको इराइथ्रीन, तो इसके वजह से ये रेड कलर का होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, गुड़गुव्स इफेक्ट। ठीक है, तो गुड़गुव्स इफेक्ट कौन दिखाता है, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एबिलिटी को मैक्सिमम करते हैं ये किसके बेसिस पे, लाइट के वेवलेंथ के बेसिस पे, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी इसको दिखा। देखिए इसी टॉपिक को, यानी गुड़गुव्स इफेक्ट ही, तो अब इतना ये अलग अलग पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो मुझे इतना ध्यान अभी है नहीं, बट इतना मुझे पता है किससे क्वेश्चन बना है। तो क्वेश्चन गुड़गुव्स इफेक्ट से नहीं था, एक बार क्वेश्चन आया था कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंटैरिटी, कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक एडॉप्टेशन क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक एडॉप्टेशन यही है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री जो कॉम्प्लीमेंट है, क्रोमैटिक यानी कलर की बात की गई है, एडॉप्टेशन तो एडॉप्टेशन ही तो कर रहा है ये, ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो सकता है, तो गुड़गुव्स इफेक्ट भी वही है कि ज्यादा फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए एल्गी क्या करेगी, अपना कलर चेंज कर देगी और या तो ज्यादा से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करती है। तो गुड़गुव्स इफेक्ट में वही चीज बता रहा है, और इसी को ही दूसरा नाम है, आप इसको लिख लीजिएगा कि गुड़गुव्स इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमैटिक एडॉप्टेशन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं, अभी मैं सिर्फ आपको दो चैप्टर के करा रही हूँ ताकि आपके लिए भी बर्डन ना हो ज्यादा। तो और बिल्कुल टेंशन फ्री होके कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है अभी टाइम है ये सोचिए टाइम है, बट ऐसा भी बिल्कुल रिलैक्स भी नहीं होना, मतलब ये सोचिए टाइम है अभी, और धीरे धीरे मतलब कंसिस्टेंसी अपनी रखिए। ब्रेक जहाँ पे आ गया ना वहाँ पे सब चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, तो आप कंसिस्टेंसी रखिए और सब कुछ कीजिए। ये मैं आपसे कह रही हूँ कि नीट के एग्जाम से पहले पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, अगर नहीं हो पाया तो चाहे लास्ट में मुझे ज़्यादा वीडियोज आपके डालनी पड़े आपके लिए, बट मैं कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो आप मतलब इतना स्ट्रेस लेके पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब कुछ मैं बैक्टीरिया से रिगार्डिंग क्वेश्चंस बताती हूँ। देखिए अगर हम बैक्टीरिया में ग्रोथ कर्व की बात करते हैं, पहले मैं ये बताती हूँ, स्टेटमेंट ही करके लिखिएगा, बाइनरी फिजन जो है ये मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में। ठीक है, इज द मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। और मैंने आपको एक और क्या चीज बताई थी कि यहां पे क्या होता है, बाइनरी फिजन टूटने से पहले ही रेप्लिकेशन हो जाता है, तो रेप्लिकेशन इज प्रायर टू द बाइनरी फिजन या टू द फिजन, टूटेगा बाद में, रेप्लिकेशन पहले हो जाएगा। नेक्स्ट चीज इसी में जो है कि यहाँ जो ग्रोथ कर्व इसका निकलता है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन का जो ग्रोथ कर्व निकलता है टाइम के कंपैरिजन में, जो ग्रोथ है मतलब जो भी इसकी ग्रोथ होती है, तो वो कौन सा कर्व बनाती है, तो वो कौन सा कर्व बनाएगी, वो बनाती है हाइपरबोला। ठीक है, तो हाइपरबोला में हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा लैग फेज, देन लॉग फेज, देन स्टेशनरी फेज, देन डिक्लाइन फेज। ठीक है, तो इट इज नोन एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसको हाइपरबोला हम कहते हैं, क्वेश्चन इससे बन रहा है आपका। तो ये क्या हो गया, हाइपरबोलिक ग्रोथ कर्व, हाइपरबोलिक ग्रोथ कर्व, जिसमें यहां अगर मैं बात करती हूं, ये देखिए आप लैग फेज जहां हम क्या कहते हैं कि यहां पे अभी इसने सिर्फ अभी ग्रो हुआ नहीं है, स्टार्ट नहीं हुआ, अभी वो सिर्फ क्या कर रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है ग्रोथ में जाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, लैग फेज। उसके बाद ये होता है लॉग फेज,
जो लॉगरिथम फेज भी आप कहते हैं, यहाँ मैक्सिमम ग्रोथ चलती है, और उसके बाद आता है स्टेशनरी फेज एंड द लास्ट वन इज डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज तो इसको हम क्या कहेंगे कि जब हम बैक्टीरिया की ग्रोथ निकाल रहे हैं टाइम के कंपैरिजन में या टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो किस टाइप की ग्रोथ शो करता है, तो वो शो करता है हाइपरबॉलिक ग्रोथ रेट। आपने कुछ ग्रोथ पढ़ी है, मैं आपको थोड़ा सा एक बता देती हूँ। जैसे आपने कुछ ये पढ़ा है इस तरीके से कि जे शेप का होता है, ठीक है, आपने जो पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन आपने पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व इस तरीके से, तो यहाँ देखिए एक जे शेप का होता है, एक आप सिग्मोइड की बात करते हैं यानी वेरियलिस्टिक ग्रोथ, वेरियलिस्टिक पर्ल ग्रोथ कर्व, तो ये हो गया। बट यहाँ पे जो है वो ये भी नहीं है, वो ये भी नहीं है, वो क्या है हाइपरबोला यानी स्टेशनरी फेज के बाद जहाँ हम डिक्लाइन फेज की भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद इसी में ही एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ टाइम देख लीजिएगा एक और, कि इसी में जो 23 sRNA, यहाँ बैक्टीरिया के केस में 23 sRNA क्या काम करेगा, एक्ट एज ए कैटलिस्ट। तो बैक्टीरिया के केस में जो 23 sRNA है, जैसे हम अपनी बॉडी में भी बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं RRNA है, RRNA है ये, यानी राइबोसोमल RNA, ठीक है। तो राइबोसोमल RNA की सब यूनिट है 23। जैसे अगर हम अपनी बॉडी में भी बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में कितना राइबोसोम प्रेजेंट है, 80 राइबोसोम प्रेजेंट है, 80 एस राइबोसोम प्रेजेंट है, जो कि दो सब यूनिट से मिलकर बना है, 40 60 प्लस 40, तो 60 हो गई बिग सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, एंड 40 हो गई स्मॉल सब यूनिट। वैसे ही प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में अगर हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं 70s राइबोसोम उसमें प्रेजेंट है, तो यहाँ हम क्या बोलते हैं 70, बट टोटल में हम क्या लेते हैं कि 80 तक उसमें आना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ ये है, बट उनकी भी सब यूनिट्स होती हैं, तो वो हो गई 23 sRNA। तो ये एक्ट करता है, एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो अब इसमें कि बैक्टीरिया से रिगार्डिंग अगर और हम बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो और बने हैं, तो ये क्योंकि देखिए ये सिर्फ इसी इस चैप्टर का नहीं है, मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी आगे कि जो ये है बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं कि किस तरीके से आपको निकालना है कि इसका ग्रोथ टाइम इतना था, फिर इतने टाइम बाद अगर एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड कर रही है, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इतनी है, तो बताइए कि 1 hour 32 minutes के बाद उनकी पॉपुलेशन कितनी होगी। तो इस तरीके से वो मैं आपको किसमें बताऊंगी, माइक्रोब्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग, जो हम चैप्टर करेंगे उसमें मैं आपको ये बताऊंगी। अब एक है आपके पास कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, सम बैक्टीरिया ग्रो इन एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडिया, कंटेनिंग मीडियम ड्यू टू, देखिए कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन की हम बात करें, स्ट्रेप्टोमाइसिन में बैक्टीरिया को डेड हो जाना चाहिए था, बट कुछ ऐसे हैं जो उसमें भी ग्रो कर जाते हैं, तो ये क्यों ग्रो कर जाते होंगे, ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि नेचर ने इनको सेलेक्ट किया है। अब नेचर ने इनको क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि इन्होंने कोशिश की है जिंदा रहने की, इन्होंने कोशिश की है रेजिस्टेंसी शो करने की, तो ये रेजिस्टेंसी शो कर रहे हैं इसके वजह से, मतलब इन्होंने एडप्टेशन शो किया, तो नेचर ने इनको सेलेक्ट कर लिया, तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही ये क्या कर सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडिया में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट यही हम बात करते हैं बैक्टीरिया में, अगर मैंने आपको कुछ बताया था क्रोमेटोफोर्स, तो व्हाट आर क्रोमेटोफोर्स इन बैक्टीरिया, तो ये क्या होते हैं पिगमेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया यानी फोटोसिंथेटिक तो घर होंगे ही वो, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पिगमेंट जो पाया जाता है और किसमें होता है इज नोन एज क्रोमेटोफोर, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर आपके पास है इसी में ही कि अगर हम बैक्टीरिया में ही कि मेसोसोम जो है वो मेसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया डैश एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं, मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको बता रही हूँ इसको, एक्ट एज माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे काम कौन करता है, तो कौन करता है काम, मेसोसोम, मैंने आपको बताया भी था इसमें क्यों, मेसोसोम क्योंकि वो क्या करता है सेलुलर रेस्पिरेशन,
दूसरा सेल वॉल की फॉर्मेशन, थर्ड डीएनए की फॉर्मेशन एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, तो मीजोजोम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे काम करेगा। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, जब ये चल ही रहा है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, ये कहा जाता है कि इसका जो ओरिजन है वो ओरिजन क्या है इसका, इसका है प्रोकैरियोटिक ओरिजन माना जाता है इसका। मतलब हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया पहले नहीं थे। अब क्या हुआ, क्योंकि आपने कभी ये चीज सोची है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ही ऐसे क्यों है जिनके पास अपना खुद का डीएनए है? क्या वो कोई स्पेशल बना रखा है नेचर ने उसको? जब नेचर ने ये डिसाइड किया है कि न्यूक्लियस के पास ही डीएनए होगा या नेट डीएनए होगा, तो फिर ये दोनों सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे कैसे हैं कि इनके पास अपना खुद का डीएनए है? क्योंकि इनको ये कहा जाता है कि दे आर प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन, ये प्रोकैरियोट्स हैं। और ये जब हमारी बॉडी में एंटर करी तो हमारी बॉडी में इन्होंने क्या किया, ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल ही थी, इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, तो बॉडी की सेल्स ने इनको एडॉप्ट कर लिया। अब एक सेल के अंदर इसका रेप्लिकेशन हुआ एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ गए। इस तरीके से पूरी सेल में, मतलब ये माना जाता है एक हाइपोथेसिस है ये। ठीक है, तो इसीलिए इनके पास अपना खुद का न्यूक्लियस या खुद का जो डीएनए, न्यूक्लियस नहीं डीएनए जो है इनके पास, नेक्ड डीएनए जैसा भी है, तो वो डीएनए इनके पास है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए है और क्लोरोप्लास्ट के पास डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए किस कैसा होता है, तो वो होता है हमेशा मेटर्नल इन ओरिजन। ठीक है, मेटर्नल मदर से आता है, मतलब तो मेटर्नल इन ओरिजन वो होता है। तो मीजोसोम मतलब किसके जैसे एक्ट करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे एक्ट करेगा। नेक्स्ट आपके पास कि आपके पास कुछ वो दिए हुए थे, ऑप्शंस दिए हुए थे, और उसमें आपको ये पता लगाना था कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किसमें होती है। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मैं आपको थोड़ा सी कर रही हूँ, इसको थोड़ा आप दिमाग लगाइएगा, मैं आपको ऑप्शन भी इसमें देती हूँ। अगर इन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है वो किस किस में चलती है? नंबर वन ऑप्शन है, इसको क्वेश्चन बना लीजिएगा आप, ऑसिलेटोरिया, पहला ऑसिलेटोरिया में होना चाहिए, या नेक्स्ट सेकंड रोडोस्पाइरलम, फिर क्लोरोबियम एंड द लास्ट वन इज क्रोमैटियम। अब आप इसमें मुझे बताइए कि जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है वो इन में से किस में होनी चाहिए? आप मतलब आप मुझे तो क्या बताइए, आप खुद सोचिए कि क्या होगा। इसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनमें से ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑसिलेटोरिया इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी। मैंने आपको क्या बताया, साइनोबैक्टीरिया, अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था आपको, साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, साइनोबैक्टीरिया आर नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, राइट, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रिलीज ऑफ O2, किसके वजह से, ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से सिर्फ वही ऐसे थे जिन्होंने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया, यानी राइट ऑप्शन इज ऑसिलेटोरिया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके पास कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं बने हैं, तो आपने इन सबको नोट करना है। राइटिंग थोड़ा मेरी अच्छी नहीं हो रही है क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व कराने जल्दी जल्दी, अब राइटिंग पे ध्यान दूंगी, क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, तो इनको आप कीजिए। ये तो होगा आपके बैक्टीरिया से रिलेटेड। फिर अब मिक्स क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इसी चैप्टर में, मतलब देखिए नीट में जो क्वेश्चन आते हैं आप देखिएगा उनको सॉल्व करके, तो वो बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं, तो आपको खुद भी लगेगा कि ये तो बहुत इजी से क्वेश्चन है। ठीक है, बट थोड़ा क्या होता है, जैसे आप जैसे ऑल इंडिया पीएमटी का देखें, एम्स जिपमर का देखें, तो उसमें थोड़ा सा टफ लेवल आपका आ जाता है ना। अब वैसे मैं हम मिक्स करते हैं क्वेश्चन, बट फंगस से मैं पहले बता देती हूँ आपको कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आए। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, देखिए पेनिसिलिन की बात करते हैं, तो पेनिसिलिन किसने निकाला था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने निकाला था। कौन किस ईयर में, अब किसी बुक में आपको 1928 मिलेगा, किसी में 1929 मिलेगा, वैसे 1928 ज़्यादा सही है। तो उन्होंने निकाला था इसको पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से निकाला था इन्होंने, और एक पेनिसिलियम नोटेटम से भी निकाला जाता है इसको। तो इन्होंने क्या किया, इसको हम वंडर ड्रग भी कहते हैं। तो उस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो अमेरिकन सोल्जर्स में जो घाव लग गए थे, तो उन घाव को ठीक करने के लिए पेनिसिलिन उनको दिया गया, तो वो एंटीबायोटिक के जैसे उसने काम किया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या, अगर हम इसमें बात करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर थ्रू कोनिडियोफोर। ठीक है, तो इन पेनिसिलिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
occur through conidiophores. एक मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कोनिडियोफोर्स क्या हुए. जैसे आपने पेनिसिलिन में इस तरीके से आपने किया कि ये पेनिसिलिन हो गई, ये जो होते हैं ये इस तरीके से, ये हैं कोनिडियोफोर्स. ठीक है, ये तो इनके थ्रू ये क्या है, मतलब एसेक्सुअल बॉडीज आप बोल सकते हो इनको. तो ये हैं, इनके थ्रू यहाँ पे होता है. और कहानी मैंने आपको इसकी बता दी है. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था. क्यों किया था और किया भी वैसे उन्होंने, ऐसे नहीं था. मतलब थोड़ा ये होता है, मैं आपको मतलब थोड़ा सा, जैसे अगर हमारा लक होता है ना, तो कभी कभी कुछ चीज़ें लक के थ्रू भी हो जाती हैं. इन्होंने बैक्टीरिया पे कल्चर किया था और इन्होंने क्या किया, अपने लैब में गलती से खिड़की खुली रहने दी, मतलब बंद नहीं कर पाया खिड़की. अब इससे क्या हुआ कि अब हवा में आपको पता ही है कि डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है. जब यहाँ पे क्या हुआ, फंगस आई, तो इन्होंने कुछ दूसरे दिन आके ये देखा कि कुछ जो कल्चर प्लेट थी, उन कल्चर प्लेट में इनको बैक्टीरिया कॉलोनी ही नहीं दिख रही थी. इन्होंने कहा बैक्टीरिया कॉलोनी कहाँ गई, कल तक तो मैंने देखा था, थी. तो इन्होंने माइक्रोस्कोप पकड़ लिया, देखा माइक्रोस्कोप से, इनको कुछ और चीज उसमें ग्रो होती हुई नजर आई. जब इन्होंने टेस्ट किया तो इन्होंने देखा कि वो फंगस है. ठीक है, तब इन्होंने दिमाग लगाया कि हाँ, हम क्या कर सकते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए. तो हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, बोलते हैं जो किसी बायोफॉर्म को मारने के लिए यूज की जाती है. तो यहाँ पे इन्होंने इससे पता लगाया था. तब पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी कि अच्छा, यानी ये एक ऐसी फंगस है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करने के लिए यूज की जाती है. तो तब जाके इसको यूज करना शुरू हुआ. ठीक है, वंडर ड्रग कहा गया, चमत्कारी दवाई. क्यों, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन्स. तो मतलब जो एक ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नहीं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूज की जाए, या ऐसे ही किसी अदर बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करने के लिए यूज की जाए, तो उसे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं. तो ये वंडर ड्रग इसीलिए थी क्योंकि इसने बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज को खत्म करने के लिए हमने इसको क्या किया था, यूज किया था. नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन था कि इसमें कि एट जो होते हैं आपके पास स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो कौन सी ऐसी फंगस है जो अपने सैक में 8 स्पोर्स प्रोड्यूस करती है. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है. अब कैसे दिमाग लगाना है, फंगस प्रोड्यूसिंग 8 स्पोर्स इन देयर सैक. सैक वर्ड आ गया. सैक फंगस क्या होती है, एस्कोमाइसीट्स. यानी इसका जो आंसर होगा एस्कोमाइसीट. तो आपने क्या करना है, ठीक है, आपको ये नहीं पता चल रहा है, आप वर्ड ढूंढिए ना, अगर नहीं आ रहा है तो वर्ड ढूंढिए. सैक वर्ड आ गया, सैक फंगस हम बोलते हैं किसको है, एस्कोमाइसीट को बोलते हैं. यानी इसका एग्जांपल क्या हो गया, एस्कोमाइसीट्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स. व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, यानी इसी में मैं आपको बताती हूँ मतलब किसके वजह से ये होता है. या मैं ये बोल रही हूँ आपको कि पैरासाइट ऑन मस्टर्ड, मस्टर्ड सरसों की पत्तियों में पैरासाइट होता है ये, मस्टर्ड लीव्स कर सकते हैं आप. तो ये कौन है जो व्हाइट रस्ट उसमें पैदा करता है, तो ये होता है अल्बुगो कैंडिडा. अल्बुगो कैंडिडा, अल्बुगो किस वाली क्लास का मेंबर है फंगस में, ये होता है फाइकोमाइसीट्स. ठीक है, फाइकोमाइसीट्स का मेंबर है. वैसे ही अगर हम बात करते हैं एक ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट, इनसे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आते हैं. जैसे पंतनगर के एग्जाम देते हैं तो उनमें ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, प्लांट के डिजीजेस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं उसमें. तो व्हाइट रस्ट ऑफ वीट ये क्या है, एक फंगल डिजीज है, फंगल डिजीज. और ये किसके वजह से होती है, तो ये पक्सीनिया, आपने सुना भी होगा पक्सीनिया ग्रामिनिस. और किसमें, वीट की बात की है तो ट्राइटकी. ठीक है, तो पक्सीनिया ग्रामिनिस, ग्रामिनिस. ठीक है, और ट्राइटिकी कर सकते हैं आप क्योंकि वीट की बात की है, बट पक्सीनिया आप याद रखना. पक्सीनिया, देखिए पक्सीनिया किससे बिलोंग करता है, पक्सीनिया बिलोंग्स टू ये बेसिडियोमाइसीट का मेंबर है. आपको पता है, देखिए यहाँ हम रस्ट की बात कर रहे हैं, तो रस्ट किसमें, बेसिडियोमाइसीट्स की हम बात करते हैं. और ये जो हो गया, भले यहाँ भी रस्ट है बट ये एल्बुगो, ये तो किसका मेंबर है, ये फाइकोमाइसीट का मेंबर है. एक और मैं आपको बताती हूँ, स्मट की बात करते हैं हम. स्मट, स्मट क्या, एस्टिलैगो, एस्टिलैगो याद रखिएगा. ठीक है,
ये तो आपके डिजीज से रिलेटेड हो गए। वैसे ही अगर हम फंगस में और बात करते हैं, या कुछ मैं मिक्स क्वेश्चन आपको इसी में बता रही हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन आपके पास ऐसा था इसमें कि जो रिंग वॉर्म दे रखा था कि रिंग वॉर्म जैसी ही डिजीज है, जैसे माइक्रोस्पोरम जो है, तो रिंग वॉर्म वाला जो है ये किस वाली क्लास से बिलोंग करता है, तो फंगल वाली क्लास से बिलोंग करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो फंगस है वो, तो डिजीज पैदा करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जैसे डीनोफ्लैजेलेट्स हो गए, एक मैं आपको ये बताती हूँ, रेड टाइड्स किसके वजह से आते हैं, तो डीनोफ्लैजेलेट्स की बात करते हैं हम। डीनो फ्लैजेलेट्स हैविंग टू फ्लैजिला, जिनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, इसमें ही एक गोनाइलेक्स हो गया, तो ये क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेड टाइड के लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है, और यही क्या करता है, सीक्रेट करता है एक टॉक्सिन जिसको साक्सीटॉक्सिन कहते हैं, और ये क्या करता है, ये पैरालाइज कर सकता है ह्यूमन और फिशेस को, तो फूड चेन के थ्रू आता है ह्यूमन एंड फिशेस। ठीक है, तो ये क्या है, किस कैटेगरी में आता है, डीनोफ्लैजेलेट की कैटेगरी में आता है, और हम ये कहते हैं कि इसी ये रिस्पॉन्सिबल होता है रेड टाइड के लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है, तो गोनाइलैक्स आप याद रखिएगा, तो ये साक्सीटॉक्सिन सिक्रीट करता है समुद्र में, और इसके वजह से ही जो फिशेज होती हैं वो इसके आसपास अगर आएंगी तो वो इस टॉक्सिन की वजह से मरती हैं, अगर ऐसे फिशेज को ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया तो फूड चेन के थ्रू वो ह्यूमन में आएंगी और उसमें भी क्या करेंगी, पैरालिसिस क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, वैसे ही अब कुछ और आपके पास, एक हम बात करते हैं जैसे क्राइसोफाइटा में, हम बात करते हैं क्राइसोफाइटा, तो क्राइसोफाइटा में आपको ये चीज पता है कि इसमें डाई एटम्स और डेस्माइट्स इसमें आते हैं, तो यहाँ ये इसमें एक किसलगर, एक वर्ड यूज किया जाता है इसमें कि किसलगर, इसमें क्या होता है, तो इन क्राइसोफाइटा कर देते हैं हम, इन क्राइसोफाइटा, और इसी में ही हाँ, कि इसमें जो किसलगर हो गया वो क्या चीज है, तो किसलगर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे इनका एक क्या हो जाना, एक एक्युमुलेशन हो जाना, और ये किसलगर कैसे होते हैं, क्योंकि आपको पता है जो क्राइसोफाइट्स होते हैं इनमें कैसे होती है, दो लेयर प्रेजेंट होती है, इस तरीके से देखिए आप कि दो सोप बॉक्स के जैसे, इस तरीके से सेल वॉल जो है वो दो लेयर में प्रेजेंट है, बीच में सिलिका प्रेजेंट है, भरा हुआ है सिलिका, तो सिलिकन होते हैं ये, और जब ये क्या करते हैं पूरे जैसे ये डाई एटमिशियस अर्थ बनाते हैं, कि वो सिलिका रिश्ते रिश्ते जहां पे जाएगा तो वहां पे वो पूरा क्या करता है, डाई एटमिशियस अर्थ क्रिएट कर देता है, तो यहाँ पे किसलगर की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो गया, डेड रिमेन्स हो गया, मैं इससे लिख देती हूँ, डेड रिमेन्स ऑफ, डेड रिमेन्स ऑफ जो भी डाई एटम्स हो गए, तो एट सी बेड में इसको किसलगर कहते हैं। ठीक है, और या आप ये कह सकते हैं कि ये बाद में क्या बनाएंगे, ये बहुत टाइम बाद बना देंगे क्या, डाई एटमिशियस अर्थ ये बना देंगे। अब किसलगर पे क्वेश्चन आपके पास आ रखा है कि किसलगर आप मतलब होंगे क्या, क्या चीज है ये, तो इसमें हम बोलते हैं ये क्या हो गया, कैल्सिफाइड। कैल्सिफाइड क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, ये सिलिफाइड, सॉरी सिलिफाइड ये होंगे क्योंकि सिलिका प्रेजेंट होता है, तो इसी का ही डिपॉजिट्स ये होते हैं, किसके, डाई एटम्स के। फिर अब उसके बाद बात करते हैं, एक नॉक्टिलिका बोलते हैं हम, वो होता है डिनोफ्लैजिलेट्स में भी, उसको हम बोलते हैं नाइट लाइट, यानी रात के टाइम पे ये समुद्र में चमकने का काम करता है। तो नेक्स्ट आपके पास है नॉक्टिलिका, तो डिनोफ्लैजिलेट है ये, नोन एज नाइट लाइट, आप नोन एज लिख लीजिएगा, नोन एज नाइट लाइट, इसको नाइट लाइट कहा जाता है। ठीक है, एक आपके पास है एक्सोस्पोर्स किसमें प्रोड्यूस होते हैं, तो मैं यहां पे ये बता रही हूं, इसी में मैं आगे आपको बता देती हूँ, एक्सोस्पोर्स प्रोड्यूस या फॉर्म, एक्सोस्पोर्स किन में प्रेजेंट होते हैं, तो क्राइसोफाइट्स में एक्सोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। अगर यूक्लिना की हम बात करते हैं, थोड़ा मैं आपको यूक्लिना का बता देती हूँ, वो प्लांट और एनिमल दोनों के बीच बीच का होता है, तो इसमें यूक्लिना में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इनके होते हैं, एक तो यह है कि इसमें स्टोर फूड क्या होता है, पैरामाइलम बोलते हैं हम। ठीक है, तो यूक्लिना में जो स्टोर फूड होता है वो हम क्या बोलते हैं, पैरामाइलम, स्टोर फूड इन यूक्लिना। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे आपके, जो बाकी
पेपर्स में आए हुए हैं, नीट को छोड़ के आए हुए हैं, तो ये हमने कर लिए हैं अभी। आई थिंक इतना क्लियर आपको हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसमें कुछ चीज़ें और होती है, जैसे ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की अगर बात करते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ हम एक्स्ट्रा लेते हैं, सब स्पीशीज आ जाती हैं। बायनोमियल में तो सिर्फ जनरल स्पीशीज, ट्राइनोमियल में सब स्पीशीज को भी हम काउंट करते हैं, तो उसको आप याद रखिएगा। अगर कहीं पे भी साइंटिफिक नेम आएगा, आपके पास चार साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आया है कि कौन सा सही है, आपको ऐसे थोड़े टेढ़े में जो लिखे हुए होंगे ना, ऐसे ऐसे आपको देखना है, और दूसरा यहाँ कैपिटल होना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए, ये वाला स्मॉल होना चाहिए, तो ऐसा आपका होना चाहिए, ये आप ये चीज़ देख लीजिएगा। फिर ये होता है कि लैटिन भाषा को हम क्यों यूज़ करते हैं, तो क्योंकि उसको डेड लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। इनसे क्वेश्चन कुछ बने हैं तो ये मैंने आपको बता दिया, तो इनको आप याद रखिएगा। टैक्सोन क्या होता है, हर एक टैक्सोनॉमिकल यूनिट को, रैंक को, हर एक रैंक को हम टैक्सोन कहते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट चैप्टर हमने वैसे भी पहले कर ही लिया था, सेकंड चैप्टर से ये हो गया है आपका। अब थर्ड चैप्टर का मैं आपको पूरा पहले समरी टाइप आपको दूंगी, पहले पूरा एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आप अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और कमेंट में आपको कोई भी अगर चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।